हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, मेरा रूम कुछ इस तरह लग रहा है अभी। तो अब देख सकते हो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। पर्दे वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है, और इधर से ऐसा लग रहा है भाई। और गाइस, आज भी डेली की तरह सफाई अभियान शुरू है। 2 दिन की और बात है, मैं पूरे घर को क्लीन कर दूंगी और उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे। तो गाइस, अभी मैंने किया अपना पूरा बाथरूम क्लीन। ये वाला दिखा देती हूँ, मैंने कितने अच्छे से इसको क्लीन किया है। तो आप देख ही सकते हो, मैंने सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया और सारे शीशे बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। आप देख सकते हो, अंदर से भी मैंने इसको बिल्कुल क्लीन ही कर दिया है। और हमारा दूसरा टॉयलेट क्लीन, और पानी यहाँ तक आ चुका है क्योंकि ये छोटा छोटा टॉयलेट है तो जल्दी से पानी बाहर आ जाता है। हो गया क्लीन। तो यहाँ पे अभी साबुन लगाया गया इस और वॉश होने लग रहा है। ये दीदी का हाथ नहीं जा रहा था इसलिए दीदी लेके आई है मुड्ढा। और उधर जयमाला दीदी ने चला दिए हैं गाने। और ये देखो हमारा बैग जो कि हमारा प्लॉट है वही खाली। आज तो मैं नहाई भी नहीं, मम्मी ने नहा के पूजा वगैरह सब की थी और मैं सफाई में जुटी पड़ी हूँ इसलिए नहाई नहीं हूँ। और सफाई करते करते मैं पूरा घर साफ हो रहा, मेरे ऊपर सारी गंदगी जम चुकी है। तो हम अपनी भी क्लीनिंग करेंगे, 1-2 दिन में करेंगे, बट पहले हम करेंगे घर को पूरा क्लीन, क्योंकि अपने आप को तो हम हमेशा ही क्लीन करते रहते हैं। अपना नंबर लेंगे हम बाद में। और यहाँ देखो सहजादी को, गाइस आप सहजादी को देख सकते हो। कैशपरी, कैशपरी तुझे सो रहे हो क्या? हेलो, कोई मतलब नहीं। राहुल आज खाना खाने के लिए आया तो इतनी सारी चॉकलेट लाया था, उनमें से एक खा रही है मम्मी। तो सारे बिस्किट एंड चॉकलेट आई है हमारे लिए, थैंक यू राहुल। और इधर लाडले बेटे को भी चॉकलेट खिलाई जा रही है, हम कह रहे दांत खराब हो जाएंगे, बिना दांत का बनाना चाह रही है मम्मी। और न्यू और कह रही है इसके अंदर चॉकलेट नहीं है, ये तो बिस्किट है। तो भैया आपको कौन सी चॉकलेट लेनी है? एक एक दे सकती हूँ भाई, ले लो जल्दी जल्दी। चॉकलेट ओनली ये है, ये सारे बिस्किट है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहा के, और बाहर धूप है तो धूप की वजह से मेरी आँख कभी नहीं खुलती, धूप में बंद हो जाती है। और भैया इधर फिर से आ गए हैं और हम लगवा रहे हैं बाहर भी वॉलपेपर जो कि बच गया था। तो हमने सोचा आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रचा जाए कारनामे, तो देखते हैं अब कैसा लगेगा। और पहले मैं दिखा देती हूँ पहले हमारा कैसा था और बाद में कैसा लगेगा। देखो गाइस हम यहाँ पे लगवा रहे हैं, भैया ने कर दिया तैयारी लगाने की, और साथ में मेरी बिल्ली भी लगवाती है, पूरी मेहनत करवाती है। अब देखना है इसको भी, भाई पूरी सो चुकी है, सो के उठ चुकी है और अब करवाएगी भैया के साथ मेहनत। और मैंने आज हेयर वॉश किया, हेयर वॉश करने के लिए मैं इनको सूखने देती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद रील शूट करेंगे। तो उसके बाद हो जाऊँगी मैं रेडी और फिर बहुत सारी रील शूट करेंगे। और जब तक भैया का वॉलपेपर का काम भी हो जाएगा तो ऐसे मैं हो जाती हूँ अभी रेडी। और रेडी होने के बाद मिलते हैं और वॉलपेपर भी दिखाऊँगी मैं कैसा लग रहा है बाहर भी। आप पहले इसको ऐसे देख लो कि विदाउट वॉलपेपर ये यहाँ पर कैसा लग रहा है। वैसे विदाउट वॉलपेपर ये ब्लू ब्लू जहाँ पर भी है हम वहीं पर वॉलपेपर लगवा रहे हैं, तो देखते हैं उसके बाद कैसा लगेगा। तो आप देख सकते हो इसने भी काम करवाना शुरू कर दिया अपने साथ ही। देखो भैया काम कर रहे हैं और साथ साथ में काम करवाएगी, लगाने नहीं देगी बिल्कुल भी। कह रही मैं भी करवाऊंगी, मैं भी करवाऊंगी। हेलो शैतान लड़की, इधर आ। भाई मुझे उसको वहां से उठाना पड़ेगा वरना ये बिल्कुल नहीं करने देगी। तो फिर पापा तो लेके जाएंगे भाई, पापा तो पहले ना लेके जा रहे थे जब मैं कहूँ थी। परनीता, तो गाइस परनीता आई हुई है और पापा उसको उठा के ले गए कि इन्हू ढूंढ रही।
किनू को तो जाती है टेंशन, अल तू यही लूगी जनानी के पास, नानी का मन लग जाओगे मी बेटी। रोल वाली थी भाई, कह रहे हो मैं इतनी सी मैंने तेरे तो आवाज लगाई ऊपर से, मैं बोली मैं तो दिखा के लेके जाऊँ बेबे ने, पर तने सुनी ना मैं करूँ भागी। अच्छा चाय पी ले, चाय बना रखी या क्यों रोगी, खेल रही वो तो। अच्छा चाय पी ले, आज तो गाइस हम आ चुके हैं ऊपर वीडियो शूट करने के बाद, और होम टूर तो नहीं दूंगी, ऊपर का नहीं दिखाऊंगी, लेकिन देखो भाई मैं अपना वो दिखा देती हूँ रूम, गोली की सामान दिखा देती हूँ। आज हम इस रूम को साफ करेंगे और शाम के बजे हुए गाइस 5, और 5 बजे मैं और सीमा हम दोनों के दोनों सफाई करेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ क्या कैसे कैसे हमने सामान कैसे कैसे क्या क्या बिखेर रखा है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस ये हैं गोली के सारे, जो कि गोली अभी छोटा नहीं खेल सकता, कुछ इसमें रखे हुए हैं, कुछ यहाँ रखे हुए हैं, कुछ इधर रखे हुए हैं। तो भाई हम करेंगे सबकी क्लीनिंग, इनको सबको क्लीन कर करके वापस से जचाएंगे। और भाई ये पर्दे हमसे उतर नहीं रहे, हम सोच रहे इन पर्दों का क्या करें भाई, इनके ना ये स्टील वाले ना पेच वगैरह खुल के निकलने वाले, हमसे हो नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ इलाज करेंगे। और सबसे पहले हम कर देते हैं रूम को क्लीन, और बीच बीच में हम आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे क्लीन करेंगे, और गोली के क्या क्या मतलब ज़्यादा अच्छे अच्छे खिलौने कौन से, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। गोली अभी इतना है छोटा, और उसके गिफ्ट्स इतने सारे आ चुके हैं पहले ही, तो वो जब बड़ा होगा जब इनके साथ खेलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे क्या मिली, अभी अभी दशहरा आ रहा है ना गाइस, तो मैं आपको सारे के सारे मेरी वीडियो देखा करो वरना धड़ूं। तो गाइस मुझे मिला गोली के लिए ये और ये, जिससे कि गोली अब अपने दशहरा बनाएगा। लास्ट टाइम में वो काफ़ी छोटा था, उसको ये यूज़ ही नहीं करने आए, मैंने इसलिए ऐसे ही रख दिए थे, तो अब वो यूज़ करेगा। और इस रूम में पूरे में गोली के ही खिलौने हैं, सारे के सारे टॉयज गोली के ही हैं। और ये खुल गई है भाई, सारे वीडियो देख लेना। तो गाइस मैं करती हूँ काम, और देखो इतनी सारी बॉल जिनको भी देख कर गोली होने वाला है बहुत खुश। और भाई मुझे कुछ भी नहीं पता क्या क्या चीज़ें, अभी तो मैं देख रही हूँ, आपको भी कुछ कुछ चीज़ें मैं दिखाती रहूँगी। आपने ये देखा डांसिंग वो है, ये डांसिंग कार क्या बोलते हैं इसको, टॉय जो भी है आ रही है डांसिंग कार। तो गाइस और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है गोली के पास, पर गोली अभी छोटा है गाइस, तो इनको किसी को भी यूज़ नहीं कर सकता, बड़ा हो जाएगा तब हम निकाल लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आप ऐसे एक दो चीज़ें दिखा देती हूँ। एंड ये है बबल वाली जिसमें बबल्स निकलते हैं, ये भी हमने पैक ही कर रखी है। ये है मैजिक, मैजिक करके दिखाते हैं ना, तो वो है ये गाइस, अभी बहुत छोटा है उसको मैजिक दिखाना ही आपका। और ये उसके इतने बड़े बड़े ट्रक, इसमें ट्रैक्टर, एंड ये वाली गाड़ी, एंड इसमें ये बॉल के साथ खेलने वाले ऐसे टुटाने वाले, क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता गया इसका, मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की खेलों में मैं बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये देखो कितनी बड़ी गाड़ी है गोली की। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती क्योंकि रात होने वाली है, मुझे सारा सामान सेट करना है, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कुछ दिखा देती हूँ। इधर भी गोली के टॉयज है गाइस, और नीचे भी गोली के टॉयज ही पड़े हैं, तो इनको मैं अभी सेट कर देती हूँ और उसके बाद नीचे चलेंगे, फिर गोली से मिल देंगे। तो गाइस गोली तो अभी बड़ा भी नहीं हुआ, गोली के लिए सब गेम आ चुके हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा तब इनसे खेलेगा। तो वही मेरे को समस्या बार, बट मैंने भी इससे थोड़ी एक दो बार मैंने भी कॉम यूज़ करते लगा लेते तो काफ़ी मज़ा आता है, बट अभी मैं इसको रख देती हूँ, अभी हमने नहीं खेला। वैसी है मेरे लैपटॉप का कवर, वैसा भी मैं कर देती हूँ सारी चीजें सेट, बाद में मिलते हैं। गोला पाल कर दो, गोला प्लीज मन पाल कर दो, मन पाल।
चल पाल करो, जल्दी करो, पहले पहले पाल करो, पहले करो। हाँ जी आ जाऊं। तो वैसे इतना निकम्मा बालक है, मैंने इसको कहा कि गोला मुझसे प्यार करना थोड़ा सा, और इसने ठा के मेरे यहाँ पे घर चल दी। गोला फिर से करना, जाओ लेके आओ। पता नहीं क्या मांग रहा है, आपको क्या चाहिए? देखो भाई, देखो देखो, क्या चाहिए देखते भाई, क्या चाहिए इसको? ओयो 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 भाई, इसकी लैंग्वेज है ये नो। ये यार क्या रखा, ये बताओ, ये लो, रुको रुको मैं हटा देती हूँ, आओ क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्या चाहिए आपको, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं भैया क्या लेगा। तो मैं भी तो वही दे रही थी, ये वो वाली नहीं है बेटा, गिराने वाली नहीं है, ये कांच की है, दूसरी देती हूँ मैं आपको। ये रुको रुको, तो ये ले लो, ये ले लो, ये वाली ले लो, वो कांच की है ना बेटा, ये ले लो भाई, इसको चाहिए थी बैंगल्स, और ये पूरा दिन मेरे बैंगल्स से खेलता रहता है। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है और मैं भी आराम से बैठी हूँ, काम वगैरह फिनिश करके खाना वगैरह खा के। और आपको एक बात बता दूँ भाई, हमारी इंस्टा चटनी इतनी वायरल हो रही है हमारे घर में कि भाई मेरे को सब्जी के साथ रोज बनानी पड़ती है। काफत में पैर फंसा लिया भाई बता के कि ऐसे बना लो शिट यार। और आपको मैं एक कोरियर दिखाना चाहूँगी, ये कोरियर आया है, कहाँ से आया है ये, यशी कलेक्शन से आया है डियरी गाइस, ये कोरियर यशी कलेक्शन से ये कोरियर आया है। तो मैं इसे ओपन करके आपको एक बार दिखाती हूँ, और इसके अंदर आई है भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी जो कि रेड कलर की है, और रेड कलर भी काफ़ी अच्छा कलर है रेड। और भाई सच बताऊं तो इसका फैब्रिक भी मुझे अजीब नहीं लग रहा, मतलब अच्छे वाला लग रहा है। और भाई इस पे लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भाव, तो भाई ये है करवा चौथ के लिए साड़ी। और भाई किसी की शादी है घर में या भाई किसी फ्रेंड वगैरह की शादी है, तो भाई मतलब रीजनेबल प्राइस पे और मतलब शगुन की चीज़, और इतना अच्छा लिखा हुआ आशीर्वाद ही लिखा हुआ है ये, तो ये बहुत ही अच्छी रहती है देने में। यदि आप भी इसको दे सकते हो तो मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा ही देती हूँ आपको। ओपन तो क्या गाइस, मैं इसको एक दो दिन में वेयर करके ही दिखा दूँगी। तो भाई बहुत ही प्यारी साड़ी है, आप भी मंगवा सकते हो, कुछ यूनिक है। तो ये साड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। ओ गोली तो चॉकलेट शेक पी रहा है, तो यार राहुल रोज रोटी खाता है, अगर आपने बनाई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात यार मत खाना आज, बनाइए पर फिर भी मत खा, बनाइए तो देनी पड़ेगी, नहीं बनाई तो, नहीं बनाई तो रहने दो, ऐसे सोचोगे भूखे, पक्की गल है, शिकायत तो नहीं करोगे, शिकायत तो नहीं करोगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गोली भी कह रहा बिल्कुल नहीं करेगा मेरे पापा। और की तो
कोई शिकायत नहीं है। आपको मुझसे वैसे कोई शिकायत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 1% यार बता दे, कोई बात नहीं। मैं अपनी ऑडियंस को सारी चीजें बताना चाहती हूँ, मैं मतलब नहीं रखना चाहती कुछ भी चीज छुपा के। मैं चाहता हूँ कुछ चीजें छुपा के रखूँ। फॉर एग्जाम्पल सब चीजें फोन पे पे बता दो ना। बट यार मैं सारी चीजें बताना चाहती हूँ अपने फैंस को। ये मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली, जो भी है। तो भाई गैस देखो इसको कितनी ज्यादा भूख लग रही है, वो पूरा इसने पी लिया, वरना कभी नहीं पीता। निकम्मा जल्दी लेके आना, देख मेरा मूड भी खराब हो गया। क्या आप क्या खाना पसंद करोगे? जल्दी लेके आ यार बिट्टू, आप पहले सच में भूख लग रही है तो मैं इसके लिए ले आती हूँ खाना। और भाई रात हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, 11 बजे लड़का। इस व्लॉग का नाम यही कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।